मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री का मोबाइल फोन छीनकर एक चोर भागने लगा और ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के कांस्टेबल विवेक कटियार ने उस चोर का पीछा किया और उसे बॉम्बे कॉलोनी से पकड़ लिया। यह घटना 13 अक्टूबर रात प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर CST जाने वाली ट्रेन आई और मोबाइल चोर अफजल अख्तर शेख उस ट्रेन में चढ़ जाता है, मगर जब ट्रेन जाने लगती है तो ट्रेन में सवार उत्तम मनोहर जंगले का मोबाइल फोन छीनकर चलती ट्रेन से छलांग लगा देता है और बॉम्बे कॉलोनी की तरफ भागने लगा, मगर आरपीएफ कांस्टेबल विवेक कटियार और फरियादी उत्तम मनोहर ने उस चोर का पीछा किया और बॉम्बे कॉलोनी से पकड़ लिया। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जिस तरह से मुस्तैद रहती है, कई बार अनहोनी होने जैसे घटनाओं को रोकने में सक्षम साबित हुई है। आरोपी मोबाइल चोर अफजल अख्तर शेख 21 वर्षीय मुंब्रा के संजय नगर का रहने वाला है, तो वहीं फरियादी उत्तम मनोहर जंगले 33 वर्षीय जो कलवा गोलाई नाका का रहने वाला है। पूरी घटना पर आरपीएफ AK यादव ने क्या जानकारी दी है। रोजाना की तरह हम हमारे स्टाफ को प्लेटफॉर्म पे ब्रीफ करके ड्यूटी के लिए भेजते हैं, तो रोजाना के दौरान 13 तारीख की रात में अप्रॉक्सीमेटली 12:10 पे हमारा कांस्टेबल विवेक कटियार जो ड्यूटी पे था, नाइट ड्यूटी पे था, उस दौरान एक CST स्लो लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है, तो एक व्यक्ति जो कि ट्रैफिक पुलिस में तैनात है सिटी में, वो अपने कलवा जाने के लिए, घर जाने के लिए ड्यूटी ऑफ करके जैसे उस पर ट्रेन में बैठा, तभी एक अदर आउटसाइडर आता है और रनिंग ट्रेन से मोबाइल स्नैच करता है और फिर प्लेटफॉर्म पे जंप करता है, तो वो बैलेंस भी करने के बाद वो गिर जाता है। उस दौरान हमारा स्टाफ जो विवेक कटियार जो ड्यूटी पे तैनात था, वो उसको नोटिस किया, वॉच किया और उसके पीछे दौड़ा, साथ में जो कंप्लेनर था जिसका मोबाइल स्नैच किया गया था वो भी साथ में दौड़ा, तो दोनों ने दौड़कर उस आरोपी को कल्याण साइड में एक मुंब्रा में एक बॉम्बे कॉलोनी है, कॉलोनी से उन्होंने उसको चेस किया, पकड़ा और पकड़ के लेकर आए। तो उसका नाम, आरोपी का नाम अफजल अख्तर शेख, अप्रॉक्सीमेटली 21 ईयर्स संजय नगर मुंब्रा का ही रहने वाला था और फरियादी जिसका मोबाइल स्नैच किया गया था वो मनोहर उत्तम जंगले अप्रॉक्सीमेटली 33 ईयर्स था, कलवा का रहने वाला था। तो बाद में आरपीएफ ऑफिस में लाया गया, तो जो भी फॉर्मेलिटीज होती है ऑफिशियली उस पर 392 रॉबरी के तहत उसको प्रोसिक्यूट किया गया, 392 IPC रॉबरी के तहत उसको प्रोसिक्यूट किया गया थाने GRP द्वारा। हाँ, रात के टाइम भी हमारा 24 आवर ड्यूटी रहती है, पैसेंजर सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकताओं में शामिल रहता है, हम 24 आवर GRP के साथ मिलकर ड्यूटी करते हैं और उस दौरान पैसेंजर से भी हमारी उम्मीदें रहती है, और जैसा कि कल की घटना हुई तो पैसेंजर्स का हमें सकारात्मक सहयोग मिला, हमारे स्टाफ को सकारात्मक सहयोग मिला, साथ में अगर पैसेंजर्स ने जब स्टाफ को चोर के पीछे दौड़ते हुए देखा तो पैसेंजर्स ने सपोर्ट किया, वो भी साथ में दौड़े और दौड़कर फिर वो स्टेशन परिवर्सेस के बाहर मुंब्रा बॉम्बे कॉलोनी में उसको स्नैच मतलब पकड़ा फिर वापस लाए। तो हाँ, हमारा स्टाफ जो है टाइम टू टाइम हमेशा मुस्तैद रहता है, जैसा कि उसको हमारे हेडक्वार्टर द्वारा इंस्ट्रक्शन मिलता है और कि पैसेंजर सिक्योरिटी स्नैचिंग खासकर इस तरह का पैसेंजर बिलोंगिंग्स जो थेफ्ट हो रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, तो हम हेडक्वार्टर की गाइडलाइन को अपने स्टाफ को ब्रीफ करते हैं, हम खुद भी स्टाफ प्लेटफॉर्म पे तैनात रहते हैं। आरपीएफ के जवानों ने मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर अब तक कई बार कई लोगों की जान बचाई है, कई बार ट्रेनों में चोरी करने वालों को स्टेशन पर दौड़ा कर पकड़ा है, तो कई लोगों को उनके सामान वापस लौटा कर ईमानदारी का सबूत भी दिया है। आरोपी अफजल पर 392 के तहत मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।